होने के बाद फिर इस पे कमजोरी आ गई। अच्छा, और अभी वो जो ट्विचिंग फड़कन वगैरह कैसी है? हाँ कम हो गई, लेकिन बीच में हाथ ऐसा हो जाता है, झटका लगता है। झटका कब? उठाते वक्त कुछ भी खाते वक्त भी। अच्छा, हाथ से चीज गिरती तो नहीं है? डर लगता है, गिरने का डर, कभी कभी गिरने का डर लगता है। अच्छा, और जो चाल में जो उसका वॉक में जो इनबैलेंसिंग थी बहुत ज्यादा, अभी पैर में पैर नहीं आते, लेकिन ज्यादा चल नहीं सकती हूँ, यानी ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी। पैर भारी हो, जो गिरने का फीलिंग होता है वो आगे की तरफ होता है पीछे को या साइड फ्रंट में? जैसे खाना उठा के पहले खाती थी ना, वो नहीं खा पाती, अब वो खा लेती है। अब पहले वो दस खा लेती हूँ, अब खाना उठा के खा लेते हैं, पहले नहीं था ये चीज। पहले नहीं था, बहुत ऐसे यहाँ पे दर्द दिक्कत होता था, दिक्कत होती थी। नींद नींद वगैरह कैसी आ रही है? अच्छी आती है। अच्छा, मतलब पहले दिन में एक हाथ में उठाने में फर्क है, और उसका जो टीचिंग है फड़कन में भी फर्क है, और थोड़ा चाल का जो इम्बेलेंस का वो भी कम है। अच्छा, कोई नींद उसमें कोई अकड़ास वगैरह तो नहीं? घर अभी क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है? क्या क्या ठीक है? अभी ये बहुत ही ऐसा झुका हुआ था ना, ये भी स्ट्रेट होने लगा। ठीक है, वाइब्रेशन बहुत, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है। Okay. और ये मसल से वाइब्रेट होता है, यहाँ से वाइब्रेट होता है, यहाँ से वाइब्रेट होता है, और ये हाथ से, ये पंजे से वाइब्रेट होता है। और किस समय होता है? ऐसे हाथ रखने के बाद। ओके, जोर लगाओ। अच्छा, हाथ उठाओ, दूसरा अलग। अच्छा, कहीं पे दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं, दर्द नहीं है ऐसा। कोई कोई मसल लॉस तो नहीं हुआ अब कोई? और कोई वेट लॉस तो नहीं हुआ? और कोई वेट गेन भी है, मसल गेन भी है। अच्छा, और कोई बॉडी में स्टिफनेस? स्टिफनेस नहीं है, ये पैर को बहुत स्टिफनेस था दोनों पैर को, अभी ये कम। ठीक है, अब थोड़ा चल के दिखाएं। देर तक बैठे ना ऐसे तो घुटने में बहुत तकलीफ। अगर काफी देर बैठे रहे तो? हाँ, काफी देर, ऐसे घंटा दो। बीच में कभी गिरे हुए तो नहीं? नहीं नहीं, और तो वो भी गिरने का डर भी नहीं? अब नहीं है गिरने का डर। वेरी गुड, बैठे जाओ। जैसे हम फ्लाइट वगैरह में बैठे तो वहाँ पे की सिटिंग बहुत अनकंफर्टेबल रहती है, तो उनको वहाँ पे फिर उठने में। पैर इधर करें थोड़ा, इस तरफ, दोनों पैर इस तरफ करें, उठाएं एक एक पैर। हाँ, दूसरा भी। अच्छा, सीधे करके उठाओ, दोनों इकट्ठे, दोनों इकट्ठे उठाओ। हाँ, इसके लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं, ये हिलता है इसीलिए। अच्छा, ये था, ये भी बहुत मस्ती आ गया पूरा। आपकी वाइफ है ना? हाँ, उनको आपकी किस किस चीज में इम्प्रूवमेंट है पहले से? ये पूरा वेंस जरा टाइट हो जाती थी ना पहले, वो अभी निकल गया, वो वेंस का प्रॉब्लम निकल गया। ठीक है, फिर बाद में वो हिलती थी, थोड़ा कम हो गया। ठीक है, यहाँ से लगता था बस, यहाँ से पूरी लगती थी, वो भी निकल गया। ठीक है, हाथ में थोड़ा ये है था, वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उंगली में सिर्फ दर्द है, पाँव में जरा चलना कठिन था, वहाँ पे वो चलने लगे। अब चल भी रहे हैं, अब अपने आप में, अब जैसे गिरने का डर था, निकल गया मन से, बिल्कुल निकल गया। ठीक है, अब कॉन्फिडेंटली चल रही है, अब मसल भी गेन हुआ थोड़ा, मसल गेन हुआ और वेट गेन भी हुआ। वेट उतना ही है, पर मसल गेन हुआ है ना, मसल जो पहले लॉस हो रहा था, पूरा प्लेन हो गया था ना। हाँ, मसल लॉस नहीं है। ठीक है, और जो ओवरऑल उंगली जो है, पहले हिलती नहीं थी, फिर ये की थी, अब ये हिलने लगी थोड़ा, पहले मूवमेंट नहीं था उंगली में, मूवमेंट आ गया, मूवमेंट आ गया। ठीक है, अभी थोड़ी सी रोटियों तोड़ने में कोशिश करती है। नहीं, बट उनकी वो जो एक्सरसाइज बताई ना, वो कंटिन्यू रखें रेगुलर, जो अपने फील बेटर बताता हूँ आपको मैं, एक्सरसाइज क्या चल रही है। हाँ, बताओ।